एक और जहां परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये खबर आ रही है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से रोका कर लिया है। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने बेहद प्राइवेट तरीके से रोका कर लिया है। इस रोके में परिवार के केवल कुछ ही लोग शामिल हुए थे। सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अभी के लिए दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ऐसे में दोनों ने अक्टूबर के महीने में शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा अक्टूबर के महीने में भारत का दौरा करने वाली हैं। दरअसल इस साल 27 अक्टूबर से 5 नवंबर को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बहन परिणीति की शादी में शामिल भी हो जाएंगी। हालांकि अब तक परिणीति और राघव चड्ढा का इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को एक दूसरे के साथ कई बार स्पॉट किया जा चुका है। हाल ही में जब परिणीति चोपड़ा को स्पॉट किया गया तो उनकी रिंग फिंगर में एक चमचमाती अंगूठी दिखाई दी। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ने गुपचुप इस रिश्ते को पक्का कर लिया है और अब उस पर ये रोके की खबरों का आना बहुत कुछ बयां करता है। जहां एक और परिणीति ने अपने रिश्ते को पहेली बनाकर रखा हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनके फैंस खुशखबरी सुनने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में परिणीति चोपड़ा को मनीष मल्होत्रा के घर पर स्पॉट किया गया था। ऐसे में फैंस इस बात के कयास लगाने लगे कि परिणीति चोपड़ा अपनी वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करने के लिए मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची हैं।